तो एक और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां देहरादून दिल्ली हाईवे बंद हुआ है। मुहंड डॉट मंदिर के बीच सड़क धंसी है, भारी वाहनों की आवाजाही बंद हुई है। तो भारी वाहनों को मुहंड चेक पोस्ट पर रोका जा रहा है। आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर भारी वाहन रोके गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून दिल्ली हाईवे बंद हुआ है, मुहंड डॉट मंदिर के बीच सड़क धंसी है। तो भारी वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है, भारी वाहनों को मुहंड चेक पोस्ट पर रोका जा रहा है। आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर भी वाहन रोके जा रहे हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश जी जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, देहरादून दिल्ली हाईवे बंद हो गया, बताया जा रहा है कि मोहन डॉट मंदिर के पास सड़क धस गई है। फिलहाल अभी वहां क्या कुछ स्थिति है और वाहनों को निकलने में और जो यात्री हैं उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? देखिए उदय, यहाँ पे लगातार जिस तरीके से बात की जा रही थी कि जो यहाँ पे बारिश की, मौसम विभाग ने भी जो है चेतावनी दे रखी थी कि यहाँ पे जगह जगह जो है लैंडस्लाइड हो रही है, और अभी पिछले टाइम से जो है लगातार 200 से ऊपर जो मार्ग थे वो अवरुद्ध हो चुके हैं। कल देर रात यहाँ पे अगर बात करें, दिल्ली नेशनल हाईवे है वो भी जो है वहां पे उसकी सड़क धस गई है। मोहंड के पास जो है डाट मंदिर है वहां पे उसकी सड़क धस गई है, जिसको लेके आवागमन तुरंत जो है बंद कर दिया गया है। हालांकि एसडीआरएफ एनडीएफ की टीमें, पीडब्ल्यूडी की टीमें लगी हुई हैं उसको मार्ग को खोलने के लिए, परंतु यहाँ पे वाहनों की जो है वो लंबी कतारें यहाँ पे लग गई है। चाहे वो सहारनपुर से आने वाले लोग हों या देहरादून से दिल्ली जाने वाले लोग हों, तमाम लोगों की वहां पे लंबी कतारें लग गई हैं, जिसको लेके प्रशासन ने जो है आवागमन को जो है बाधित ना हो, किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, उसके लिए कोई वैकल्पिक रास्ते की बात जरूर की जा रही है। जी जी अवनीश जी, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून दिल्ली हाईवे बंद हो गया है, मोहन डॉट मंदिर के पास सड़क धस गई है, तो भारी वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है।